हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक ठंड दिन के साथ आना। और अभी अभी एक हमारे दोस्त के चाचा हैं, वो बिहार से आए हुए हैं, तो उन्होंने मिलने के लिए हमें बुलाया है यहाँ पे उतरटिया के पास। तो मैं और गुड़िया जा रहे हैं। ये देखिए, गुड़िया भी उठ चुकी हैं हमारे साथ साथ, तैयार हो चुकी हैं। सुबह सुबह इस बहाने वॉक भी हो जाएगी, उनसे मिल भी लेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। और सुबह की शुरुआत हो गई है, मतलब सुबह हो गई है और हमारी चाय वाय सब हो गई है। और इनके पास अभी कॉल आया है, इनके एक फ्रेंड है उनके चाचा का, तो वो बुलाए हैं, तो थोड़ा मिलने जा रहे हैं। और आपको भी आज दिखाते कितना ठंडा हो रहा है बाहर। तो चलिए चलिए चलते, चलिए पहले आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। तब तक मैं पैक हो लेता हूँ, कैप और मफलर ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स, हम दोनों निकल पड़े हैं ठंडी में, देखिए पैक होके। मैंने तो दो दो स्वेटर पहन लिए हैं और जा रहे हैं चाचा जी से जो भी कुछ गिफ्ट लेके आए हैं लेके आते हैं। और ये तो आगे बैठ के चला रहे हैं, कितना ठंडा लग रहा होगा आपको। पहले मैं दिखाती हूँ, देखिए आज बिल्कुल धूप नहीं निकली है, मौसम दिखाती हूँ। कोहरा नहीं है मगर ठंडा बहुत, गलन बहुत लग रही है। हाँ, और बेचारे जो लोग झोपड़ी में रहते हैं उनको देख के बड़ा वो लग रहा है, कैसे बेचारे हाँ कैसे बेचारे ठंडी में रह रहे हैं। हम लोग तो घर के अंदर रहते हैं, कितना ठंडा लगता है, ये लोग तो बेचारे बाहर रहते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले रास्ता जल्दी से कटे और फिर उनसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ठंडा हो रहा है और बेचारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ाई हो रही है स्कूल में, ठंडे ठंडे रूम होते होंगे, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं बच्चे इस टाइम पे। और सब लोग बेचारे सुबह सुबह सारी जो दुकानें खुली हैं सब लोग आग जलाए हैं, आग सेक रहे हैं। और इनसे पूछते हैं इनको कितना ठंडा लग रहा है गाड़ी चला रहे हैं। ठंडा तो है मगर निकलना तो पड़ता ही है, मेरे हाथ जम रहे हैं फ्रेंड, बहुत ठंडा हो रहा है। वो मेरे दोस्त के चाचा हैं, बिहार से आए हैं, कल उनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था मिलने के लिए बुलाया है, तो वही मिलने जा रहे हैं दोस्तों। अभी वहाँ पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। मैं गाड़ी चला, ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, फिर आपसे वहाँ पहुँच के मिलते। देखिए मैं कैसे सुपरमैन बन गई हूँ। अब हम लोग जाम में फंस गए हैं, देखते हैं ये कहाँ खड़े हैं चाचा। चौराहे पे आ चुका हूँ, देखिए ठंडा कितना है ना। और फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, चाचा का वेट कर रहे हैं और आग सेक रहे हैं। एक दुकान में भैया ने आग जलाई है, आग सेक रहे हैं। कैसा लग रहा है? अरे बड़ी ठंडी है। तो दोस्तों, मैं उनका चाचा जी का वेट कर रहा हूँ, मैं कॉल करने जा रहा हूँ, दिख नहीं रहे। इसी पॉइंट पे बोला था कि इसी उतरटिया मोड़ पे मिलेंगे, क्योंकि वो चिन्हट की तरफ से आ रहे हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। मैं और गुड़िया, भाई देखिए ठंड लग रही है इसको बहुत ज़ोर से, मगर भैया ने आग जला रखी, आग सेक रहे हैं हम लोग। मगर दोस्तों, एक बात ये है कि काम उतना नहीं, इंसान चलता रहता है जैसा भी मौसम। और पीछे पनीर की दुकान है, मैं सोचूं थोड़ा सा पनीर लेने को। ताज़ा पनीर है भैया जी की दुकान पे, भैया ने हमारे लिए आग जला रखी। ठंडी बहुत है भैया, सुबह कितनी बजे दुकान खोल देते हैं? 9 बजे। हैं? 9 बजे। 9 बजे खोल देते हैं, ठंड में देखिए। तो दोस्तों देखिए, हमें चाचा मिल गए हैं, बिहार से आए हुए हैं टुनटुन चाचा हैं, ये हमारे दोस्त के चाचा जी, तो हमारे भी चाचा हैं। और बेचारे ठंड में देखिए लेके आए हमारे लिए कुछ देसी चीज़ है ना, बेचारे दिखाने आए। हाँ, और हम जा रहे हैं अब इनको, मैंने कहा ठंड में आए हैं पीजीआई जा रहे हैं दिखाने, तो मैंने बोल दिया है जितेंद्र जी जैसे वो दिखवा देंगे,
और अब चाय पीते हैं इनके साथ। यहाँ पे चाय का एक सेटअप है और चाय से बोल रखा है ठंड में चाय पी लेंगे फिर निकलेंगे। तो बुढ़िया चाय का ऑर्डर कर दो, तीन चाय। तो टुनटुन चाचा बिहार में कैसा मौसम है? ऐसा ही मौसम वहाँ पर भी है, ठंडा है। हाँ बहुत ठंडा है, शीतलहर है पूरा। अब मनोज कैसा है? वो भी ठीक है, स्कूल तो जाना ही है। अच्छा मनोज और हम दोनों बचपन में एक साथ पढ़ते थे और आज नहीं तो कुछ नहीं 32 साल हो गए हमारा उससे मिले नहीं अभी नहीं मिले हैं मगर 32 साल से हमारी उससे मित्रता है। गए 89 में तब जब एचसीएल आए थे तब तो 92 में हम गए ना, ये चल रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने देखिए चाय ले ली है ठंड में, यही एक दवा होती है। और ये देखिए चाचा भी चाय पी रहे हैं और चाचा की तरफ जो रोड है ये जाती है रायबरेली प्रयागराज के लिए मेरे बाएँ तरफ, और दाएँ तरफ जाती है लखनऊ चारबाग स्टेशन, है ना। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कैसे, देखिए बसें रुकती हैं, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हैं, ये रायबरेली प्रयागराज के लिए जाएगी इस तरह की बसें, ये जो इधर को जा रही है रायबरेली की। देखिए PGI आगे पड़ेगा, ये शहीद पथ है। और ये देखिए चाचा जी ने गुड़िया को ये देखिए सामान दिया है, गिफ्ट अपने गाँव से लेके आए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए ना चाचा ने ये देखिए ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप फिर बनवा के लाएंगे। हाँ इसके लिए, और बोलने की जब आएंगे तो ठेकुआ बना के लाएंगे, है ना। तब इनको जाने देते हैं, डॉक्टर से मिलना है, फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर और ठंडा आ गए हैं, और ये तो देखिए कप कपा रहे इनसे, और मैंने आते ही चाय चढ़ा दी, इनसे हाथ कप कपा रहे ठंडी के मारे दोस्तों। और देखिए इनके हाथ कप कपा रहे ठंडी के मारे। और जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़े वैसे लाइट भी चली गई, तो ब्लोअर भी नहीं चला सकते हैं। और कबीर जग गए थे, ये अपना क्लास अटेंड कर रहे हैं, और मैंने इसको चाय और बिस्किट दे दिया, इनको भी दे दिया, ये निकलेंगे ऑफिस। और पानी में मैंने नहाने के लिए पानी इनका चढ़ा दिया है, और आज देर भी हो जाएगी दोस्तों, देखते हैं। और देखिए फ्रेंड चाचा हमारे लिए गांव से क्या क्या लाए हैं, ये देखिए चावल के आटे का लड्डू। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद ये चल लड्डू देखने को मिला दोस्तों। और लाए हैं ये लैया के लड्डू, घर के बने हैं सारे। हाँ और ये लैया देखिए बहुत छोटी छोटी है, देसी घर की लैया है ये, है ना। ये घर में ही फ्राई किया है लैया को। हाँ घर ही में इन्होंने मेरे ख्याल से बनाया है। और लेके आए हैं चूरा, आपने तो सफेद चूरा देखा होगा, ये बिहार का चूरा। हाँ ये देखिए ब्राउन कलर का है, ये मेरे ख्याल से लाल चावल के उसका है ना, ये बिलासपुरी जो चावल होता है ना उसका है, इसका है ये लाल चावल का चूरा। इसका पोहा बहुत टेस्टी बनेगा, तो काफी ज्यादा चूरा ले आए हैं ये, तो आधा मैं नीचे दे दूंगी, जितना यूज होगा घर में वरना दे देंगे। मतलब सब ये लड्डू और ये यूज कर लेंगे, तो नीचे भी दे देंगे और हम लोग भी खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पहले इनका मैं नाश्ता रेडी करती हूँ, क्योंकि टाइम 10:30 बजने वाला है ना, ये लेट हो रहे हैं, तो पहले इनको भेजते हैं ऑफिस, फिर आपसे भी मिलते हैं आपसे। और फ्रेंड्स ये भी नहा धो के जल्दी जल्दी चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि इनको लेट हो रहा था। और देखिए सुबह मौसम कैसा था, और अभी देखिए कितनी तेज धूप निकल आई है, ये देखिए। और ये देखिए कबीर धूप में बैठे हैं, मैं इससे कह रही हूँ कि नहा लो, तो कह रहा मैं नहीं नहाऊंगा, एक दिन नहाता है एक दिन नहीं नहाता है, है ना। और ये कान में लगाए लीड, मैं क्या बोल रही हूँ इसको शायद सुनाई नहीं दे रहा है ना, दे रहा है। और मेरा किचन का काम हो चुका है, मैंने इनको नाश्ता भी करा दिया, ये चले गए हैं नाश्ता लेके। और अब मेरा काम है यही घर की डस्टिंग करना, और यही जो झाड़ू पोछा घर का करना। तो अब मैं उठाने जा रही हूँ अपना हथियार झाड़ू, और पूरे घर की सफाई करते हैं। ठंडी में फ्रेंड्स बिल्कुल मन नहीं होता ये सब काम करने का, मन होता है बस अब धूप निकली है तो मन हो रहा धूप में बैठे, मगर क्या करें मजबूरी है, काम किए बिना गुजारा नहीं है। जैसे इनका काम है ड्यूटी जाना, है ना, और हमारा काम है, हम लेडीज़ का काम है घर संभालना। तो चलिए अपना इसका प्रयोग करते हैं झाड़ू का, फिर झाड़ू पोछा लगाते हैं, फिर फ्रेश होके मतलब नहा धो के आपसे मिलती हूँ।
और फ्रेंड्स मैं काम करने से पहले सबसे पहले लगाती हूँ थोड़े से हल्के हल्का म्यूज़िक, अच्छा लगता है ना काम करते रहो। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं जब घर का जो काम करती थी तो हल्का हल्का म्यूज़िक जैसे गज़ल है ये सब लगा देती थी और तब अपना काम करती थी और गुनगुनाती रहती थी। तो आज मैं सबसे पहले लगाने जा रही हूँ म्यूज़िक और वो सुनते सुनते मैं काम करूँगी, है ना। और मेरे पास छोटा सा मेरा ये स्पीकर है, इसको करते हैं ऑन। पावर ऑन, ये हो गया ऑन। ब्लूटूथ मोड, है ना। अब मैं अपनी पसंद का इसमें गाने लगाती हूँ। और जब अभी कभी घर पे है ना, अभी अगर ये लीड नहीं लगाया होता तो मैंने ये जो मैं गाने लगा रही हूँ पुराने गाने, तो आके अपने वही नए इंग्लिश गाने लगा देता है, कभी मुझे सुनने ही नहीं देता है। तो अभी ये लीड लगाया तो इत्मीनान से मैं काम करते करते अपने सॉन्ग सुनती हूँ। और फ्रेंड्स किस किस को पसंद है अपना रूटीन वर्क करते करते अपनी पसंद के सॉन्ग सुनना, तो मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग भी बताइएगा किस किस को पसंद है ये सुबह सुबह हल्का म्यूज़िक जो बजता है। और चलिए अब अपना काम निपटाते हैं, चलिए। और फ्रेंड्स मेरा भी दिन का सारा काम फिनिश हो गया है, मेरा नहाना धोना सब हो गया है, अब बस दिन का मुझे जो भी है लंच बनाना है। तो अब पहले तो मैं जा रही हूँ छत में क्योंकि धूप निकली है, थोड़ा सा धूप खा लेते हैं। धूप खा लेते हैं मतलब शरीर को धूप लगा लेते हैं। और कबीर की भी क्लास ख़त्म हो गई है, अब वो अपना होमवर्क कम्प्लीट कर रहा है। इससे मैं कह रही हूँ धूप में बैठो, मगर ये अपना काम कर रहा है, काम ज़्यादा मिला है। इसको काम है। तो फ्रेंड्स चलते हैं छत पे अपने कपड़े, चलते हैं फ्रेंड्स ऊपर। हम लोग छत बंद कर देते हैं क्योंकि बंदर आते हैं ना। यहाँ तो पहले से कपड़े पड़े हुए हैं, बड़ी मम्मी ने ये देखिए। मैं भी कपड़े ड्राई करके पहले तार पे डालती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने छत में कपड़े सब डाल दिए हैं, ये देखिए धूप देखिए कितनी अच्छी निकली है। आज छत में हमारे बगल में ब्रेड वाली भाभी ने भी गेहूं धुले हैं। हेलो, हाँ आज इनके गेहूं बहुत गंदे थे, बेचारी बड़बड़ाती बड़बड़ाती गेहूं धुली हैं, है ना। और बड़ी मम्मी भी हैं ऊपर, वो कुछ निहार रही हैं, आपको दिखाते हैं, कुछ देख रही हैं। क्या हुआ, क्या देख रही हैं आप? मेरे पार्क में ट्रांसफार्मर लगाने आया हुआ। अच्छा, वो गाड़ी चली गई। ये सब पे निगाह रखती हैं ऊपर खड़े होके, है ना। ये देखिए सबसे नीचे और ये देखिए सबसे ऊपर, सब देख रही, मुआयना कर रही है ना। मेरा काम यही है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पता लगाना जरूरी है ना। फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का समय और हम लोग पी रहे हैं गरम गरम चाय। और छत से मैं नीचे कमरे में आ चुकी थी और धूप हम लोगों ने, मैंने हमारी जिठानी ने अच्छे से सेक ली धूप। मगर फ्रेंड जैसे ही नीचे कमरों में आए, कमरे वैसे ही ठंडा रहे हैं, तो मैंने चला दिया है ब्लोअर और थोड़े से कपड़े जो धूप में थोड़ा सा नम रह गए थे उसको मैं ड्राई कर रही हूँ। कबीर और हम दोनों मिलके पी रहे हैं चाय। और फ्रेंड्स यहाँ कबीर अपना बटर और ब्रेड इंजॉय करते हुए, मैं चाय और ये सिर्फ दो बिस्किट खाऊँगी। और फ्रेंड जो मनोज भैया के चाचा ये लड्डू लाए थे चावल का, बहुत बड़ा एक लड्डू था तो उसको मैंने खाया, उसमें सॉल्ट और ड्राई फ्रूट्स ये सब पड़े हुए हैं ना, तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। ये ठंडियों के लिए मेरे ख्याल से लड्डू बनाया है तो बड़ा टेस्टी लग रहा है खाने में, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ये बनाने का मगर बना ही नहीं पाई, तो अब मुझे खाने को मिल गया। तो थैंक यू मनोज भैया के चाचा, मैं चाचा जी उनको बोलूँगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो आज अपना चेकअप कराने आए थे ना PGI। तो चलिए फ्रेंड्स मैं भी चाय पीती हूँ। मैंने ये देखिए ब्लोअर ऑन कर लिया क्योंकि जितनी धूप होती है उतना ही फ्रेंड्स ठंडा हो जाता है, तो ठंडा लग रहा है तो ब्लोअर सेकते हैं
और कपड़े भी धीरे धीरे सुखाते हैं आ जाते हैं, तब आपको इनसे मिलाते हैं। तो दोस्तों अभी अभी जस्ट मैं ऑफिस से आया हूँ और लेट हो गया क्योंकि मॉर्निंग में लेट गया भी था, तो बस अभी हाथ में धुल के बैठा था ब्लोवर के पास। ठंडा लगता है ना रास्ते में तो इतनी ठंड नहीं लगती, बट जब घर आके बैठ जाओ ना तो बड़ी ठंड लगती, तो आके बैठ गया। और मैं लाया था, गुड़िया ने सुबह समोसे वहाँ पे पैक कराए थे जब चाचा जी के साथ खा रहे थे, तो उसके पास चेंज नहीं थी इसलिए हमने वापस कर दिए थे। तो मैंने कहा चलो अभी ले लेते हैं, तो अभी लेके आया। तो गुड़िया और कबीर खा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं तो रोटी के साथ खाऊँगा, कबीर है ऐसे खाते हैं चटनी के साथ, दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कबीर कैसा है समोसा, बहुत डिफरेंट फीलिंग है इसमें। हाँ ये यहाँ बदनाम लड्डू के पास का समोसा गर्मा गर्म बनाता है, वहाँ से लेकर आया। और ये देखिए दोस्तों गुड़िया और मेरा समोसा रखा हुआ है, और गुड़िया देखिए चाय भी ले आई है। वाह दोबारा चाय बनी ये तो बढ़िया है, टाइम 8 बज रहा है ना, हम लोग ने आज मैं लेट हो गया था, शाम को 6 बजे चाय पी ली थी हम। अच्छा अच्छा चलो नहीं ठंड है, गर्म चाय 2 कप कबीर की, कबीर हम लोग पी चुके, कबीर दोबारा नहीं कहाँ पीता है। ओके तो आइए दोस्तों आप भी हमारे साथ चाय पीजिए और समोसे का आनंद लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए भाप दिख रही है ना आपको चाय की गर्मा गर्म, है ना। तो आइए दोस्तों फिर चाय पीते हैं समोसा खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों रात के बज रहे हैं 9:30 और आप घड़ी में टेम्परेचर देख सकते हैं 17 डिग्री टेम्परेचर है कमरे का, ठीक है। तो आपने देखा कि कमरे का टेम्परेचर 17 डिग्री है और खाने की तैयारी भी हो रही है। हम लोग चाय और समोसा खा चुके हैं और समोसा खाने के बाद तन्मय आए थे तो समोसे से चूक गए हैं तन्मय, बट अभी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है दोनों विद्यार्थियों की, है ना। दो प्रभु हैं हमारे घर में, है ना, और दोनों की इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। yes. पढ़ते बहुत हैं दोनों। हाँ पहली बार कॉपी खोला हूँ। अरे देखिए दोस्तों ये पढ़ाई हो रही है इनकी, तुम्हारी किताब का दिखाओ तो नीचे तो पढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं रसोई में, देखते हैं श्रीमती जी भोजन में क्या बनाया है और देखते हैं, है ना। रात का डिनर मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ कि क्या बनाया है, पूछता हूँ। तो भाई क्या बनाया आज रात के डिनर में श्रीमती जी, हम जानना चाह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या बना है। नहीं पता होगा, मैंने बताया ही कहा। हाँ मैंने आज पूछा भी नहीं, आए चाय पीने लगे उसमें मेरा आ गया। हाँ बनाया है मटर पनीर। वाह गुड, ये तो कबीर का फेवरेट है, दिखाओ जरा कहाँ कैसा बना है भाई, देखें तो दर्शन तो करा। पनीर बनाया है और ये बन रही है गरम गरम रोटियाँ, ये देखिए दोस्तों आहा मजा आ जाएगा। ये रोटी और ये है मटर पनीर की सब्जी। वाह गुड 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 गुड, ये और थोड़ी सी तहरी, इनको तहरी पसंद है ना। ओके तहरी पसंद है तो मैंने दिन में तहरी बनाई थी तो इनके लिए बचा दी थी थोड़ी सी ये तहरी, तो इसी कढ़ाई में मैंने गरम कर दी है। ये देखिए मटर और आलू की तहरी बनाई है। देते हैं गरम गरम खाना, तीनों चारों मिलके खाते हैं, ठीक है ना। अब मैं निकालने जा रही हूँ डिनर इन लोगों का, क्योंकि टाइम 10 बजने वाला है ना, तो आपसे हम लोग मिलते हैं कल। और ये भी थके थके से है ना, आज थोड़ा लेट आए हैं क्योंकि लेट गए थे ना हमारे, तो खाना देते हैं इनको और आपसे हम लोग मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए, और दोस्तों जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। सब्सक्राइब फ्रेंड्स फैमिली हमारी ज्यादा आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और अपना सर्दियों में ख्याल रखें और शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। गुड नाइट।